नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दो राज्यों के मुखिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों राज्य विपक्ष शासित हैं और उनके मुख्यमंत्रियों को बार बार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का समन आ रहा है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं। पहला नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिनसे कथित शराब घोटाले में पूछताछ की जानी है। इसी केस में उनके कई पूर्व सहयोगी जेल में भी है। दूसरा नाम झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, वह बार बार बुलाने पर भी नहीं आए तो ईडी ने अब कहा है कि आप अपने हिसाब से समय, तारीख और जगह बता दें जिससे सवाल जवाब हो सके। उन पर दबाव बढ़ता दिखा तो अचानक एक विधायक का इस्तीफा हुआ और रांची के सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी कि संभावित कार्यवाही को देखते हुए सीएम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बना चुके हैं। दोनों ही विपक्षी पार्टियां ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बता रही हैं। हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने पहली बार 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने ना जाकर लिखित में जवाब भेज देते हैं और उसी दिन चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश चले गए। 2 और समन आए, लेकिन दिल्ली के सीएम ने ईडी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन 18 दिसंबर को भेजा था और 21 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजा और बताया कि पहले से विपश्यना कार्यक्रम निर्धारित है और वह पंजाब के होशियारपुर चले गए। 10 दिन बाद विपश्यना साधना से लौटे और 30 दिसंबर को ट्वीट कर जानकारी दी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जेल जाने की तैयारी की बात लिखनी शुरू कर दी। केजरीवाल ने दोनों लिखित जवाब में ईडी के समन पर सवाल खड़े किए थे और ईडी से ही पूछा था कि वह उन्हें हैसियत से बुला रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा लगता है कि यह समन बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है जो राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए ये समन गैर कानूनी है और ईडी इसे तत्काल वापस ले।